नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे शराबबंदी कानून के नियमों में जो है एक तरह से एक कह लें कि एक नया और कठोर जो है नियम वो लागू किया गया है। अब हम आपको इस पूरे वीडियो में इस पूरे प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। इसे हम यूँ कहें कि शराबबंदी कानून को और भी कठोर किया गया है। अब जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले दोषी अभियुक्तों की पहचान कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने भी जो है पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा की है। इधर मद्य निषेध विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश में शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों के ट्रायल में 3 गुना अधिक जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि सजा के दायरे में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने से लेकर वर्तमान तक 1,16,000 से अधिक मामलों का ट्रायल किया जा चुका है, जिसमें से 2,372 ट्रायल पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 1,553 व्यक्तियों को सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि इस पूरे मामले में 819 लोगों को दोषी नहीं पाए जाने के आधार पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों की पहचान कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे किसी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ ना ले पाएँ। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अब प्रदेश में 14 मई से लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें कि शराब से जुड़े पुराने मामलों को निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दिन धारा 37 के तहत यानी कि जो पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार में शराब से जुड़े मामलों को बहुत ही जल्द निपटारा किया जाएगा। पिछले दिनों शराब से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया था। वहीं अगर हम बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग की तरफ से की गई कार्यवाही को देखें तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक में प्रदेश में कुल 78,691 जगहों पर छापे मारे गए, जिसमें से 6834 अभियोजन दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस ने 9446 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया। वहीं पुलिस की तरफ से इस दौरान 3,49,000 लीटर शराब बरामद किया गया। पुलिस की कार्रवाई में करीब 1,279 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। बिहार में लागू इस शराबबंदी संशोधन कानून 2022 में यह बताया गया है कि अगर पहली बार शराब पीते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो अगर उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 1 महीने तक की जेल की सजा काटनी होगी। इसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार शराब पीकर पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्ति में यानी कहले कि उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि कड़ी सजा देने की बात जो है वो कही गई है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि इस तरह के मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी कर लेने की बात कही गई है। शराबबंदी कानून के नए संशोधन में यह भी कहा गया है कि अगर पुलिस अवैध शराब को पकड़ती है तो उसे नष्ट करने का अधिकार भी उनको दिया गया है। इससे पहले यह अधिकार जो है जिलाधिकारी के पास था, जिलाधिकारी को से जो है इसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी, उसके बाद जो है शराब को नष्ट किया जाता था। एक तरह से कह लें कि अब एक बड़ा फैसला जो है मद्य निषेध विभाग की तरफ से लिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सरकारी लाभ नहीं मिलने वाला है। कई तरह के सरकारी लाभें जो है वो मिलती है, उसमें जो है एक तरह से कह लें छूट नहीं देने की बात कही गई है, क्योंकि आपके ऊपर जो है शराब पीने का आरोप जो है लगता है। ऐसे में हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि बिहार सरकार की तरफ से जो यह जारी शराबबंदी कानून है उसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं लगातार, वह जो है आम लोगों के लिए कितना हितकर है। बिहार और बिहार से जुड़े और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।